केजरीवाल कुछ हासिल नहीं हुआ ये पत्ता गोभी की खेती करने से। पत्ता गोभी की खेत में ज्यादा पैदावार ही नहीं हुई। ये देखो एक थैली भरकर पत्ता गोभी निकली है मेरे खेत में, और इस बार मैंने खेत में दिलो जान से मेहनत की थी। अरे मोदी जी, आपकी वजह से मैं भी फंस गया। क्यों केजरीवाल, मेरी वजह से तुम क्यों फंस गए? अरे जब आपने अपने खेत में पत्ता गोभी लगाई तो मैंने भी अपने खेत में पत्ता गोभी की खेती कर ली। मेरे भी खेत में पत्ता गोभी ज्यादा नहीं निकली है, ये देखो एक थैली भरकर निकली है। तुमसे कमी है पत्ता गोभी मेरी थैली में। अरे केजरीवाल, तुम्हारी देखा दूनी, मैंने पत्ता गोभी की खेती कर ली। मैंने सोचा मोदी जी भी पत्ता गोभी लगा रहे अपने खेत में, और केजरीवाल जी भी अपने खेत में पत्ता गोभी लगा रहे, इसीलिए मैंने पत्ता गोभी की खेती कर ली। देखो मेरे भी खेत में जरा सी पत्ता गोभी पैदा हुई है, सिर्फ एक थैली भर के पत्ता गोभी पैदावार हुई है मेरे खेत में। अरे इतनी पत्ता गोभी तो मैं मंडी से खरीद के ले आता हूँ खाने के लिए अपने घर पर। इससे तो अच्छा मैं लौकी की खेती कर लेता। देखो लालू जी को देखो, कैसे पूरे हाथ भर भर के लौकी तोड़ के ला रहे हैं। देखो कितनी लौकी की पैदावार हुई है उनके खेत में। ये कुमार जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरे ये खेती है, फसल है, कभी कोई सी अच्छी हो जाती है, कभी कोई सी अच्छी हो जाती है। पिछली बार खेतों में लौकी की पैदावार बहुत कम हुई थी, इस बार देखो लौकी की अच्छी पैदावार हो रही है। लालू जी को मजा आ गया। लेकिन हाँ एक बात कहूंगा, लालू जी ने लौकी लगाना नहीं छोड़ा। पिछली बार इन्होंने लौकी लगाई थी तो इनकी पूरी की पूरी फसल बेकार हो गई थी। लौकी के खेत में इन्हें कुछ नहीं बचा था। फिलहाल इनकी लौकी इस बार अच्छी हो गई। इसी तरीके से मेरी पत्ता गोभी इस साल भले ही पैदा न हुई हो, अगले साल मैं फिर से पत्ता गोभी की खेती करूंगा। क्या पता अगले साल अच्छी हो मेरी पत्ता गोभी। अरे राहुल, तुम कैसे भागे चले आ रहे हो पीछे हमारे, क्या बात है बोलो? अरे मोदी जी, ये बैंगन दिखाने के लिए आया हूँ आपको। ये बैंगन देखो, इतने बड़े बैंगन तोड़ लूं या अभी कुछ और बड़े होने दूं मंडी में बेचने के लिए? राहुल, अभी ये बैंगन छोटे हैं थोड़े, अभी मंडी में इस बैंगन का रेट सही नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सा और बड़ा होने दो, अगले हफ्ते को तोड़ना, एक हफ्ते में काफी बड़े हो जाएंगे, पर मंडी में रेट भी अच्छा मिल जाएगा। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी कहा, कोई भी फसल कम हो या ज्यादा हो उसकी खेती हर साल करना चाहिए, क्या पता कब ज्यादा पैदावार हो जाए। मुझे ही देख लो, पिछली बार लौकी मेरी बिल्कुल पैदा नहीं हुई, इस बार देखो मेरे खेत में लौकी की कितनी पैदावार हुई है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।